सत श्री अकाल एफ एम आई न्यूज़ वेख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। असी कैनेडा च चैनल वाई अते यूके च संगत टीवी वेख रहे दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। मैं हाँ दविंदर सिंह, बुलेटिन की शुरुआत करांगे खास खबरों के नाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा किसी भी कीमत पर पटियाला च नहीं लगन देंगे परमाणु प्लांट। घनौर च रैली करके केजरीवाल से साधे निशाने। परमिंदर सिंह ढींसा ने कहा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सोच विचार के ही लैणगे फैसला। पंजाब कांग्रेस SYL मामले ते विधानसभा के बजट इजलास दौरान लियाएगी कम रोकू मता। विरोधी धर नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पानिया के मुद्दे ते प्रकाश सिंह बादल तो मंगया अस्तीफा। क्या सरकार अपना स्टैंड करे स्पष्ट। मुख्यमंत्री के सियासी सलाहकार महेश इंदर सिंह गरेवाल ने कहा पंजाब नहीं देवेगा किसी भी सूबे में एक बूंद पानी। मुल्क च अतवादी हमले के खाशे कारण राजनाथ सिंह ने दिल्ली च की उच्च पद्धरी बैठक। मुल्क च 10 अतवादियों के दाखले होने के इनपुट तो बाद मुख्य शहरों च बधाई गई सुरक्षा। ईडी वालों किंगफिशर एयरलाइंस के मालक विजय मालिया खिलाफ केस दर्ज। CBI की शिकायत तो बाद दर्ज होया मामला। भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों के डिफाल्टर होने के लगे ने इल्जाम। मुल्क भर च मनाया गया महाशिवरात्रि का त्यौहार। शिव भक्तों ने छड़े बम बम बोले दे जयकारे। मंदिरों च लगिया रही सारा दिन रौनक। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है ते कहा कि वह पंजाब च किते भी जेकर चोण लड़ते हैं तो केजरीवाल के खिलाफ चोण मैदान च उतरनगे। घनौर विखे साबका MLA मदन लाल जलालपुर की अगवाई में कांग्रेस को मजबूत करने कांग्रेस वर्कर संपर्क प्रोग्राम तहत रखी गई रैली में भाग लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर पंजाब च परमाणु प्लांट नहीं लगन देंगे। उन्होंने कहा कि इस नाल पंजाब च बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। घनौर हलके में कांग्रेस वर्कर संपर्क प्रोग्राम के तहत रखी गई रैली में लैके पूरा घमासान मचया हुआ सी क्योंकि साबका कैबिनेट मंत्री जसजीत सिंह रंधावा की लड़की अनु रंधावा ते डिप्टी स्पीकर वीरेंद्र सिंह रैली के खिलाफ सन। मैं वो सख्त खिलाफ है। मैं पहला भी खिलाफ सी। सानू कोई लोड़ नहीं। 14 यूनिट साढ़े बिजली के चल रहे हैं। दो हैं, दो चला रहे हो तो बिजली की कोई घाट नहीं और परमाणु का खतरा बहुत है। मैं वो उधर परमाणु प्लांट के मुद्दे से जो खजाना मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा तो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे मामले गहराई नाल विचार चर्चा करके ही परमाणु बिजली प्लांट बारे अपना नजरिया स्पष्ट करनगे। साडा तो सिर्फ कहना यह है भी जिथे भी लगना उतों के लोगों की भावनावान लोगों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जो पिछे कुछ घटनावान हुई हैं जापान हुई उदू पहला रशिया हुई सो परमाणु एक ऐसी चीज़ है जी बड़ी जोड़ा वह हेल्थ हैजर्ड है जो उन्नी की कोई घटना हो जाए तो हज़ार लखा लोगों की जोड़ा जीवन प्रभावित कर सकती वो चीज़ इस करके ताई जोड़ा है असी बड़ा इस तो सोच विचार के जोड़ा है जो बादल साहब ने किया है उन्होंने जो सोच विचार के जो करा जाएगा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नू सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे से तुरंत अस्तीफा देंदिया लोगों तो मुड़ वोटा मंगनिया चाहीदियां ने। इन्हां शब्दों का प्रगटावा विधानसभा च विरोधी धिर दे लीडर चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ च पत्रकारां नाल गलबात दौरान किया। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा तो पंजाब के लोगों के हितों नाल धोखा किया है। चन्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री बादल SYL के मुद्दे से सिर्फ मीडिया सामने मगरमच्छ दे हंजू बहा रहे ने। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ये बस सेशन है। हम इसमें सबसे पहले कल को जो आज अकाली दल BJP की केंद्र सरकार ने पंजाब की पीठ में छुरा खोपा है और पंजाब से जो गर्दारी की है कि पंजाब के पानियों के मसले पे उन्होंने वहां एफिडेविट दिया है कि हम पंजाब की SYL शुरू करना चाहते हैं और पंजाब का पानी हरियाणा को जाए, हम इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ना चाहते हैं विधानसभा में और हम चाहते हैं कि जो पंजाब सरकार लोगों को ये विश्वास देकर बनी कि हम पानियों के रखे हैं पानी बचाएंगे, आज उन्होंने पानियों के अलग दूसरा स्टैंड लिया है। बादल इस्तीफा दे और दोबारा से इलेक्शन में पंजाब के लोगों पास ये अपना चेहरा लेकर जाए कि हम पंजाब के पानी हरियाणा को देना चाहते हैं। उधर लुधियाना च हाजिर रहे साबका मुख्यमंत्री हरजिंदर कौर पठल ते साबका पंजाब कांग्रेस प्रधान प्रताप सिंह बाजवा ने भी पानिया के मुद्दे ते सरकार ते निशाने साधे। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री दे सियासी सलाहकार महेश इंदर सिंह गरेवाल का कहना कि अकाली दल का पूरे मामले ते स्पष्ट स्टैंड है। अकाली दल एक भी बूंद किसी भी होर सूबे नूं पानी नहीं देवेगा।
ਕੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਬਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਕਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਕੁੱਟੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਪਰਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਿੰਦਰ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ चूँकि बहुजन समाज पार्टी का पूरा ध्यान संगठन का पूरा ध्यान 15 मार्च की महारैली को कामयाब करने के संबंध में है 15 मार्च की महारैली के बाद पंजाब के जो भी राजनीतिक हालात होंगे सिचुएशन होंगी उसके बारे में हम अपने स्टेट यूनिट से बात करके अपनी पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती के समक्ष रखेंगे जो भी उनका फैसला होगा जो भी उनका विचार होगा ਉਸ 'ਤੇ ਹਮ ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੜ੍ਹੇਂਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 2136 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2136 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 50,000 ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੱਧਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 2136 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗ ਸੋਮਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1842 'ਚ ਬਣੀ 18 ਕੈਲੀਬਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 18 ਕੈਲੀਬਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ 18 ਕੈਲਰੀ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਜ ਜੋ ਹਮੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੈਸੇ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਕੇ ਲਈ ਲੋਕ ਮਰਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇ ਆਜ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਹਮੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਉੱਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल में दिए थे और ये इसलिए हमारे लिए इसकी सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा है क्योंकि इनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी और इनके फादर दोनों इस यूनिट में रहे हैं तो जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है इसी यूनिट में पैदा हुए हैं और आज ये पहले बार इतिहास में है कि किसी यूनिट को ये मौका मिले जब जो उन्हीं के यूनिट के जो जहाँ पैदा हुए हैं वो आज चीफ बने और
एक यूनिट को आके इस तरीके से ऑनर करें स्टैंडर्ड देके। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जो हमें मिले थे, हमारी यूनिट बहुत पुरानी है, 174 साल पुरानी यूनिट है 18 कैवलरी। चोर हुण आम लोगों तो बाद गुरु घरां वल मूँह करन लग पए ने। खबर बटाला दे फतेहगढ़ चूड़ियां तो है, जिथे शहर के विचकार स्थित गुरुद्वारा साध संगत चोरां ने गोलक ते हत्थ साफ कर दिता, पर चोरी की सारी वारदात गुरुद्वारे च लगे सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गई, जिस च साफ पता लग रहा है कि चोर किस तरह गुरु घर च वड़ के गोलक ते हत्थ साफ कर रहे हैं। उधर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुताबक चोरों ने करीब 40,000 तो वध दी माया ते हत्थ साफ कर दिता है। गुरुद्वारा साध संगत विखे भी अज रात नूं चोरां ने गोलक तोड़ के 40,000 to 45,000 रुपया कढ के लै गए ने। इस दी पुलिस कोल भी FIR दर्ज करवा दी गई है। साध संगत की प्रशासन तो पुरजोर अपील है कि चोरां नूं छेती तो छेती फड़ के लोगों के सामने नशर किया जाए। गुरुद्वारा साहब विच दो व्यक्ति ने जिन्हां मूँह बन्ने हुए सी, उन्होंने गुरुद्वारा साहब की गोलक नूं जा के राड नूं मची दे नाल खोल के उहदे विचों पैसे चोरी किए। जो गुरद्वारा साहब के ग्रंथी वालों सू कंप्लेट करते FIR लॉज की गई, उम्मीद है जल्दी उन्होंने बंदे जो गिरफ्तार किया जाऊगा। अगली खबर बठिंडा तो है, जिथे मती दास नगर के बाहर बने कूड़ा प्लांट में इलाका निवासियों ने शहर तो बाहर कढ़ने की मांग की। इस मौके स्थानक लोगों ने प्रशासन खिलाफ रोस मुजहरा भी किया। प्रदर्शनकारियों का कहना कि रिहायशी खेत्र च एक कूड़ा प्लांट होने कारण उन्होंने हर वेले कोई ना कोई बीमारी लगन का डर बनया रहिंदा है। कांग्रेस उप प्रधान राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते निशाना साध्या है। राहुल गांधी ने कहा कि आए दिन BJP उन्हां ते निजी हमले कर रही है। उन्हां PM मोदी नूं संबोधन हुंदे कहा कि वह उन्हां ते जिन्ने मर्जी हमले करन पर PM नूं गरीबां ते हमले नहीं करने चाहिए। दस दईए बजट ते चर्चा दौरान प्रधानमंत्री ने बिना नाम ले राहुल गांधी नूं घट समझ वाला दस्या सी। नरेंद्र मोदी जी और उनके बाकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं मेरे ऊपर जरूर आक्रमण करें, और मेरे ऊपर मोदी जी ने पर्सनल अटैक किया और मेरे ऊपर रोज उनके जो पार्टी के लोग हैं पर्सनल अटैक कर रहे हैं। जितना आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करना चाहते हो आप करो, मगर जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं जिनकी मैं आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर, आदिवासी, दलित, जो भी कमजोर है, छोटे बिजनेस वाले, उनको आप कुचलिए मत, उनको आप मारिए मत। मेरे को जितना आपने मारना है, जितना आप मेरे बारे में बोलना चाहते हो, जितने भाषण देना चाहते हो, जितने घंटे आप बोलना चाहते हो आप करो, जितना आप मुझे मारना चाहते हो मारो, मगर देश की गरीब जनता को आप मत मारो। गुजरात पुलिस मुताबक वो किसी भी अतवादी हमले ना निजेठन लिए तैयार ने। उधर DGP PC ठाकुर मुताबक शिवरात्रि नु मुख रखदिया सुरक्षा पहला के मुकाबले होर करड़ी कर दिती है, जिस दे चलदिया सोमनाथ मंदिर च सख्त सुरक्षा हेठ शिवरात्रि की पूजा हुई, पर उत्थे सुरक्षा के लिहाज तो सोमनाथ मंदिर च होने वाला संस्कृति प्रोग्राम रद्द कर दिता गया। दस दईए सुरक्षा एजेंसियां ने 8 to 10 अतवादियों के भारत च दाखिल होने की जानकारी दिती सी, जिस तो बाद एक पाकिस्तानी किश्ती गुजरात तट तो लवारस पाई गई सी। गुजरात DGP मुताबक चप्पे चप्पे ते नज़र रखी जा रही है अते पुलिस हर हमले नाल निजिठण लई तैयार है। गुजरात पुलिस की टीम जो है लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, नाकाबंदी कर रही है, जितने भी शंकास्पद इलाके हैं, व्यक्ति हैं, संगठन हैं, उन पर हमारी पैनी नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि ये जो इनपुट था गुजरात के अलावा 10 अन्य राज्यों को दिया गया था और 5 पुलिस कमिश्नरेट को दिया गया था, उनके साथ भी हमारे लगातार संकलन जारी हैं, और इस संकलन की वजह से जो इस इनपुट का उद्देश्य था
कि किसी भी ऐसी कोई भी घटना जो आतंकवादी घटना हो उसे रोका जाए, उसे उसके लिए जो भी हम सावधानी के कदम ले सकते हैं, तो हमारी जो सतर्कता है, हमारी जो कटिबद्धता है कि ये देशद्रोही तत्व अपने मिशन में कामयाब ना हो, उसके लिए हमारी मुहिम अभी भी जारी है। भारत ते पाकिस्तान विचाले 19 मार्च नूं हिमाचल दे धर्मशाला विच होण वाले विश्व T20 मैच बारे सुरक्षा प्रबंधा दा जायजा लैण लई पाकिस्तान दी 2 मैंबरी टीम भारत पहुंची है। ये 2 मैंबरी टीम वाघा सरहद राहीं भारत आई, जिथों यह टीम सीधा धर्मशाला जाएगी ते मैच दौरान किए जाने वाले सुरक्षा प्रबंधा की जांच करेगी। पाकिस्तान वालों भेजी गई 2 मैंबरी टीम च फैडरल एजेंसी के डायरैक्टर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैंबर शामिल ने। इस तो इलावा दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास का एक अधिकारी भी इस टीम के नाल होगा। दसा जा रहा है कि यह टीम हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ते पुलिस मुखी नाल भी मुलाकात करेगी। ईडी ने विजय मालिया खिलाफ मनी लांडरिंग का केस दर्ज किया है। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों के डिफाल्टर होने का आरोप है। दसा जा रहा है कि हुण मालिया तो छेती ही पुछगिछ हो सकती है। इस तो पहला भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने शंका जाहिर की सी कि मालिया भारत छड़ के लंडन वसन की तैयारी कर रहे हैं। दस दिए कि भारतीय स्टेट बैंक ने विजय मालिया खिलाफ बंगलौर स्थित कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल च 3 पटीशन दायर कीतियां सन। इन्हां च मालिया की गिरफ्तारी, पासपोर्ट जब्त करन, देश विदेश च स्थित सारी संपत्ति नूं जनतक करन ते कर्ज की वसूली नूं पक्का करन की मंग की गई सी। स्टेट बैंक ने मालिया नूं विलफुल डिफाल्टर ऐलानिया होया है। मालिया की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस नूं 17 बैंकों ने कर्ज दिता सी। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने विआह की पुष्टि कर दी है। उन्हें अपने रिलेशनशिप दीआं सारीआं अफवाहां नूं नकारदिआं खुद विआह की गल स्वीकारी है। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया से लिखा कि उन्होंने अपने नाम नालों मिस टैग हटा दिता है। उन्हें कहा कि गुड इनफ नूं मिलन तो बाद उन्होंने टैग हटाया है। प्रीति जिंटा ने कहा कि वह हुण शादीशुदा लोगों के ग्रुप च शामिल हो गई है। दस दिए कि प्रीति जिंटा ने जीन गुड इनफ नाल 29 फरवरी नूं अमेरिका च विआह कर लिया सी। कैनेडा पुजे आम आदमी पार्टी के आगू HS फूलका ने पंजाब 2017 चोणों दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी मंतव पंजाब का मुख्यमंत्री बनना नहीं है। HS फूलका ने स्पष्ट किया कि वह पंजाब आम आदमी की सरकार बना के पंजाबियों नाल दुख बढ़ाना चाहते हैं। फूलका ने कांग्रेस और अकाली दल से भी तिखे निशाने साधे। उन्होंने कहा कि पंजाब की बर्बादी लिए दोवें पार्टियां जिम्मेवार ने। इस तो इलावा HS फूलका ने प्रवासी पंजाबियों नाल पंजाब के वख-वख मुद्दों पर गलबात भी की। इस मौके उन्होंने प्रवासी पंजाबियों वालों मनुखी हकों लिए पाए योगदान लिए धन्यवाद भी किया। दूजे पासे आपां अपने बादल दे अपने कैप्टन साहब नूं देखिए, कैंसर दे नाल पंजाब तबाह हो जांदा। पिछले कम से कम अज नहीं 15-20 साल तो कैंसर फैलिया होया। 5 साल दी अमरिंदर दी सरकार इक भी कैंसर अस्पताल नहीं बनाया। 10 साल होने वाले 9 साल तो बैठे इक भी कैंसर अस्पताल नहीं बनाया। शर्म आती है कि पंजाब के लोग राजस्थान जा रहे इलाज कराने वास्ते। दल के लीडर है, कांग्रेस के लीडर इस साडे बच्चों दी लाशां दे उत्ते अपने इलेक्शन फंड कट्ठे करते हैं और फिर सोचते हैं कि दलित नूं बेवकूफ बना लेंगे। ओमान च 2 भारतीय व्यक्तियों की मौत हो गई है। दोवें भारतीयों की मौत एक समुद्री जहाज अग लगन कारण हुई है। इस गल की जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके दिती है। यह पूरी घटना ओमान के अल सदा इलाके वापरी है। मृतक भारतीयों की पछाण महेश कुमार, राजा गोपाल और दीपू लतिका मोहन वजो हुई है। इस घटना च 3 होर लोग जख्मी भी हुए ने, जिन्होंने ओमान के एक हस्पताल च भर्ती करवा दिता गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मुताबक ओमान स्थित भारतीय एंबेसी ने स्थिति पर नज़र रखी हुई है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका ते दक्षिणी कोरिया नूं परमाणु हमले करन दी धमकी दिती है। उत्तर कोरिया ने अपनी धमकी च कहा कि वह इन्हां दोवां देशां ते एक तो बाद एक लगातार परमाणु हमले करेगा। इस धमकी तो कुछ दिन पहला ही संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया उत्ते पाबंदियां भी लाईआं सन। दस दिए उत्तर कोरिया वालों वार बार परमाणु हथियारों के किए जा रहे परीक्षण तो बाद संयुक्त राष्ट्र ने यह कार्रवाई की थी। उत्तर कोरिया इस तो पहला भी कई बार दक्षिण कोरिया हमले की धमकी दे चुका है।
दरअसल उत्तर कोरिया दक्षणी कोरिया ते अमेरिका दीयां फौजां विचकार होण वाले जंगी अभ्यास तो नाखुश है। उत्तर कोरिया की दलील है कि दोवें देश जंगी अभ्यास उत्तर कोरिया ते हमला करन लई ही कर रहे ने। इराक के भीड़भाड़ वाले इलाके च होए फिदाइन हमले च करीब 50 लोगों की मौत हो गई। इस हमले च 70 तो ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए ने। यह हमला इराक के भीड़भाड़ वाले शहर हिल्ला च होया। यह इलाका इराक की राजधानी बगदाद तो करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इराकी अधिकारियों मुताबक धमाका विस्फोटक समगरी नाल भरे एक ट्रक नाल कीता गया है। उन्होंने कहा कि धमाका सुरक्षा चौकी नूं निशाना बना के किया गया सी। इंटरनेट पर जारी एक बयान च इस हमले की जिम्मेवारी कट्टर इस्लामी गुट ISIS ने ली है। कैनेडा के पहले दस्तारधारी सिख रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन के नाम से वैनकूवर के एक कैफे ने बर्गर तैयार किया है। वैनकूवर के कैनिबल कैफे ने यह चिकन बर्गर रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन के माण विच तैयार किया है। इत्थे नहीं, रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन इस बर्गर का आनंद लैण लई खुद कैफे उत्ते भी गए, जिस तो बाद उन्हें अपने नाम वाले बर्गर की फोटो भी ट्वीट की। दस दईए हरजीत सिंह सज्जन वैनकूवर तो सांसद ने। हरजीत सिंह सज्जन राजनीति में आने तो पहला कैनेडा की फौज भी सेवा निभा चुके हैं। हरजीत सिंह सज्जन मौजूदा समय च कैनेडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार च रक्षा मंत्री ने। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही, आग्या दिओ, धन्यवाद।